हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज इरफान और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डेटा रिकवर कैसे किया जाता है और क्या क्या टूल्स का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में देखता हूं कि मैंने एक यूएसबी ड्राइव अपने कंप्यूटर को लगा रखा है। पहले इस फाइल्स को डिलीट करता हूँ। सॉरी, तो ये पेन ड्राइव मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये देखिए खाली है। तो मैं चाहता हूं कि अपनी इस पेन ड्राइव के डेटा को मैं रिकवर करूं। तो चलिए कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक डिस्क ड्रिल, ये देखिए ये डिस्क ड्रिल नाम का एक सॉफ्टवेयर टूल्स है जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये आई थिंक बहुत अच्छा है और इससे इजीली जो है फाइल्स और जो आपका डेटा है वो रिकवर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाकर के आप डिस्क ड्रिल लिखेंगे तो आप यहाँ से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं, तो डिस्क ड्रिल आपको आसानी से मिल जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा इजीली, कोई पैड करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसे और आपके डेस्कटॉप पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसे। तो डेस्कटॉप पर आपके आ गया है। तो चलिए मैंने ये ओपन किया है, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मैंने पेन ड्राइव लगाई हुई है, तो मैं इसको रिकवर करता हूँ। बस खाली कंटिन्यू करना है आपको। एक बार फिर बता देता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिकवर पर क्लिक करना है और ये आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए प्रोसेस चल रही है। ये देखिए, अच्छा एक टूल्स और होता है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ मैं सिर्फ उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है, अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है तो मैं बताता हूँ, इतने प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो मैं इसका दूसरा टूल्स आपको बताना चाहूँगा। तो दूसरा टूल्स है मैं आपको बताता हूँ, ये गेट डेटा बैक फॉर NTFS टूल्स, ये फाइट टूल। इस टूल्स को भी आप गूगल से निकाल सकते हैं। गेट डेटा बैक फॉर NTFS, इसका लेटेस्ट वर्जन भी होगा शायद, मेरे पास तो ओल्ड वर्जन है इसका, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो आपने क्या करना होता है इसमें, ये एक बेटर टूल्स है। इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा होता है, किसी भी फॉर्मेट का डेटा हो, आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लाइक आपका सॉफ्टवेयर हो, आपकी exe फाइल हो, PDF फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, या फिर JPG फाइल हो, समथिंग, बहुत सारी ऐसी फॉर्मेट की फाइल्स हैं जो आप आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये टूल्स दोनों ही मैं यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये टूल्स दोनों। तो आई थिंक आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इन टूलों को एक बार आप यूज करके देखें, तो आप वो फिर कह सकते हैं कि आपको आपका क्या थिंक है कि इसके बारे में। तो इसको बताता हूं मैं क्या करना होता है, लेकिन मैं इसमें आपको रिकवर नहीं करूंगा, खाली इसको स्टेप्स बताता हूं, क्योंकि रिकवर पीछे हो रहा है तो प्रोसेस नहीं चलेंगे एक साथ। तो आपको क्या करना है, ओपन करना है, इंस्टॉल करने लेना है पहले आपको अपने इस PC के अंदर इसको। तो आपने नेक्स्ट करना है, पहले ये सब चिक लगा करके आपको इमेज फाइल को छोड़कर नेक्स्ट कर देना है। आपने नेक्स्ट करोगे तो कुछ प्रोसेस थोड़ी सी चलेंगी। अब ये क्या करा है इसने, ये देखिए ये बहुत सारी ड्राइव्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल आ गई हैं जो हमारे PC से कनेक्टेड हुई हैं। तो देखते हैं हमारी एक पेन ड्राइव का जो हमारा लेबल था वो क्या था, हमारा उसका ड्राइव नेम क्या था, एम ड्राइव थी। तो ठीक है, एम ड्राइव हम देखते हैं। हाँ ये रही एम ड्राइव हमारे पास यहाँ आ चुकी है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसी चीज को हमें सिलेक्ट करना होगा जिस ड्राइव के अंदर हमारा डेटा है, उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके अंदर से हम डेटा निकालते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक स्क्रीन पर एक कुछ शो हो रहा है हमारे ऑप्शन, तो इन ऑप्शन को आपको फॉलो करना है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। आपकी ड्राइव का जितना भी डेटा आपने उसके अंदर लॉस हुआ होगा वो आई थिंक वो आपका आ जाएगा। तो मे भी लॉस हो सकता है, लेकिन आई थिंक ज्यादा वो लॉस नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ से सर्च करना चाहता हूँ अपना कस्टम तरीके से, तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने सेक्टर से कितने सेक्टर का आप बीच का डेटा आप मतलब रिकवर करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि समथिंग, ये आप यहाँ देख ले ये कितना लिखा हुआ है, तो इससे रेंज आप कर सकते हैं।
ये रेंज, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है इस रेंज से इस रेंज तक का डेटा हम रिकवर करना चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोसेस आपकी चालू हो जाएगी। देखिए पीछे भी प्रोसेस चल रही है, तो मैं इसको कैंसिल करना चाहूंगा, तो सिर्फ मेरा मकसद था कि आपको ये बता सकूं। तो आप ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको एक विंडो फ्रेम खुलेगी, उसका सारा डेटा आपको शो हो जाएगा, आप इजिली उस पर सेलेक्ट करके उस फाइल को आप इजिली उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन ये टूल्स के बारे में तो आपको मैंने ऐसे ही बता दिया, अब उसके बारे में बताता हूँ जो प्रोसेस पीछे चल रहा है, तो इसको मैं कैंसिल करना चाहूंगा। ये तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ये दोनों टूल्स बहुत अच्छे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ही मेरे को अच्छे लगते हैं, तो आप भी यूज करिएगा इनको। तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, स्टॉप करता हूँ मैं इसको। चलिए आप याद रखना इस नाम को, गेट डेटा बैक फॉर NTFS हो सकता है, गेट डेटा बैक फॉर FAT हो सकता है, FAT फाइल हो सकता है, या आप गूगल में कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। गेट डेटा बैक फॉर NTFS, ये देखिए इसके बहुत सारे वर्जन जो है आ गए हैं, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए रन टाइम की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश चल रही है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, लेकिन खुलेगा जरूर, ये देखिए खुल गया है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए फ्री टूल्स होता है, देखिए इसका लेटेस्ट वर्जन भी शायद आई थिंक आ चुका है ये इसके अंदर, तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फैट के लिए ही NTFS के लिए है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, कर सकते हैं इसको, और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम पीछे प्रोसेस में देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, कि ये हमारा टूल्स में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें फाइल्स आपको इंडिकेट भी देता है कि आपने कितनी फाइल्स इसके अंदर आ गई हैं, 334 लगभग 334 MB की फाइल्स इसके अंदर रिकवर हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, तो हम इसे स्टॉप करना चाहेंगे, पॉज करना चाहेंगे। तो देखिए अब हम अपनी फाइल को यहाँ पर क्लिक करेंगे, और हम एक फोल्डर ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे कि हम उसको उसमें रिकवर कर सकें। यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आइकन है मेरा एक छोटा सा, यहाँ पर पाथ देना पड़ता है रिकवर टू का, तो यहाँ पर हम करते हैं डेस्कटॉप और एक फोल्डर बनाते हैं रिकवर्ड फाइल्स। ये मैंने एक फोल्डर बना दिया है, इसके अंदर हम रिकवर करेंगे, इस पर क्लिक कर दिया, तो सीधा हमें क्या करना है, रिकवर पर इस पर क्लिक करना है, ये रिकवर कर दिया। अब देखिए ये फाइल्स हमारी रिकवर हो रही है, अब कितनी फाइल्स रिकवर हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 208 फाइल्स यहाँ तक रिकवर हो चुकी है, 240 फाइल में से, ये टोटल 240 फाइल है जो अब तक ये रिकवर हुई है। तो आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ये सारी फाइलें, तो ओके करते हैं। ये रहा हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पर, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास जो हमारी फाइल्स रिकवर हुई है, ये हमारी फाइल्स रिकवर हुई है। वीडियो के अंदर जाते हैं, ये देखिए ये सारी फाइल्स हमारी जो है रिकवर हुई है, आई थिंक इस फॉर्मेट में नहीं समझ सकता मैं, लेकिन आपको यहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, पिक्चर के अंदर JPG के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये बहुत सारी फाइल्स हैं जो मेरे पेन ड्राइव में मैंने फॉर्मेट डिलीट करी हुई थी, ये सब आ चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना ईजी है इसको रिकवर करना, और कितना अच्छा टूल्स है ये, आई थिंक। तो ये देखिए ये फाइल्स सारी हमारी जो हमें चाहिए थी वो शायद आ चुकी है, ये देखिए। तो मैंने तो अभी इसका प्रोसेस बीच में ही रोक दिया था, आप शायद इसको पूरा करेंगे अपने प्रोसेस को, तो उसमें जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी आप उसमें देख सकते हैं, आपको रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एंड आने वाले कुछ वीडियो जो मैं अब अपलोड करूंगा उसमें आपको बहुत ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, मल्टी टेक्निक्स बताऊंगा आपको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, और टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी मैं बताता रहूँगा आपको इन वीडियो में। आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।